नमस्कार, मैं आशुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम सियासी सच में। बात करने जा रहे हैं मनीष सिसोदिया के बारे में। दिल्ली में कहीं ना कहीं जो चुनावी समीकरण है वो पूरी तरह से हाल ही के समय से बदल चुका है, जब से अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे गए हैं। शराब घोटाले, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जो वो कहीं ना कहीं फंस रखे हैं, इस मामले में लगातार उनकी सुनवाई हो रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगातार उनकी पेशी हो रही है और ईडी को भी कहीं ना कहीं जमकर फटकार लगाई जा रही है। लेकिन वहीं अरविंद केजरीवाल के पक्ष में भी सबूतों की जो कड़ियां हैं वो उनके पक्ष में अभी तक भी पेश होती नजर नहीं आई है। ना ही अरविंद केजरीवाल पेश कर पाए हैं, ना ही उनके वकील अभिषेक मनु सिंह भी पेश कर पाए हैं। दिल्ली में सियासी समीकरण बदलता जा रहा है, लेकिन इसी बीच एक नाम है मनीष सिसोदिया का जो चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि एक वर्ष से ज्यादा का समय बीत चुका है और मनीष सिसोदिया लगभग एक वर्ष से ज्यादा जेल के अंदर है और अभी भी जेल की सलाखों से बाहर आते उनका कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से उनको हाल ही में फैसला जारी हुआ था कि उनकी पत्नी की जो तबीयत है वो खासा खराब रहती है और आखिरी बार वो अपनी पत्नी से दिल्ली के दिवाली के मौके पर कहीं ना कहीं मिले थे। तो अब मनीष सिसोदिया को कहीं ना कहीं हाईकोर्ट की ओर से ये आदेश जारी हो गया था कि आप हर हफ्ते के हिसाब से अपनी पत्नी से एक आध बार मिल सकते हैं, लेकिन उस पर भी कोई भी प्रतिक्रिया ना मनीष सिसोदिया देते नजर आया, ना ही उनके वकील देते नजर आया और ना ही उनकी पत्नी का कोई भी बयान आया। तो मुद्दा उठ रहा है कि मनीष सिसोदिया पर आखिर आम आदमी पार्टी को दाव क्यों नहीं चल रही है। अगर अरविंद केजरीवाल पर लगातार दिल्ली में अगर एक मुख्य चेहरा अरविंद केजरीवाल बने हुए हैं तो मनीष सिसोदिया भी एक मुख्य चेहरा रह चुके हैं। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के पद पर वो रह चुके हैं, लेकिन अब वो पूर्व मुख्यमंत्री बन चुके हैं क्योंकि उन्होंने उसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन वही केजरीवाल हैं जिन्होंने अभी तक अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव 2025 में आने वाले हैं, क्या कहीं ना कहीं रणनीति रहेगी, इस रणनीति पर बात करेंगे। हमारे साथ माही मौजूद है, माही आपका स्वागत है। माही, पहला सवाल देखिए आपसे यही रहेगा, दिल्ली में कहीं ना कहीं आप देखिए सियासत पलट चुकी है और इस हिसाब से पलट रही है कि हर बार लोकसभा चुनाव जब भी होते हैं हर 5 साल में तो आम आदमी पार्टी की करारी हार हमने पिछले 2 बारी से तो देखने को हमें मिली गई है। अब आप देखें कहीं ना कहीं इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की करारी जीत और आम आदमी पार्टी की हार। 2025 के विधानसभा चुनाव में रुक करें तो आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति आपको यहाँ पर नजर आती है? जी बिल्कुल, देखिए आश्रुति, ये पूरा जब मामला देखेंगी तो अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर कहीं ना कहीं टिका हुआ है। अगर अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरीके की राहत नहीं मिलती है तो आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ जाएंगी। और वही जो लोकसभा चुनाव में हुआ है, आने वाले दिनों में हो सकता है विधानसभा चुनाव में अपनी सीटें और मुख्यमंत्री की सीट भी खोते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आ सकते हैं। और ऐसे में आपने मनीष सिसोदिया का जिक्र किया, 1.5 साल से ज्यादा हो गए मनीष सिसोदिया को जेल में रहते हुए और अभी तक उनको किसी भी तरीके की राहत नहीं मिल पाई है। ऐसे में उनकी पत्नी किससे मिलने के लिए हफ्ते में एक बार इजाजत मिली थी, उसको लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके फंड को लेकर कि जो भी एक्सपेंस आएगा उसको कौन वो करेगा, देगा गवर्नमेंट देगी या फिर मनीष सिसोदिया देंगे, जिसके ऊपर काफी बहस दिखाई दी थी। लेकिन वो फिर गवर्नमेंट ने अपने ऊपर जिम्मेदारी लेके, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी उससे बचती हुई नजर आई। मनीष सिसोदिया अब 15 दिन में अपनी पत्नी से मिलने के लिए आते हैं, तो ऐसे में आप पूरा मामला देखिए कि उनको किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी लगातार ये बात कहते हुए नजर आई थी कि उनको किसी भी तरीके से उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी उनको फंसाया जा रहा है। तो ऐसे में जो 100 करोड़ का पूरा मामला निकल कर आया था गोवा केस में, कहीं ना कहीं उसमें भी मनीष सिसोदिया का जो इन्वॉल्वमेंट है वो सबसे ज्यादा देखने को मिला था। वही संजय सिंह का जो इन्वॉल्वमेंट था बहुत ही ज्यादा कम था, तभी वो 6 महीने से ज्यादा जेल में रहते हैं बिना किसी प्रूफ और बिना किसी गलती के, और कुछ भी ऐसा ईडी के पास नहीं था। ईडी ने लास्ट में कह दिया कि इनको अब जेल में रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मनीष सिसोदिया के मामले में ये पूरा केस कहीं ना कहीं उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़े आरोपी जो माने जा रहे हैं मनीष सिसोदिया ही माने जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही है। और लगातार अगर ऐसा हुआ तो आप देखेंगे कि वो डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, ऐसे में उनका जेल के अंदर रहना और आने वाले विधानसभा चुनाव में उनका ना होना कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जो छवि है इस बारे में, इस बार के जो ये कांड हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग का, कहीं ना कहीं उससे मिल होते हुए दिखाई दी है। और अरविंद केजरीवाल के कुछ ऐसे स्टेटमेंट है जिसके बाद अब कहीं ना कहीं जनता का विश्वास उनसे उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में देखना यही होगा कि आने वाले दिनों में सिसोदिया को किसी भी तरीके की राहत मिलेगी या नहीं, मनीष सिसोदिया को किसी तरह की राहत मिलेगी या नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं देखिए माही उठता नजर आ रहा है। लेकिन इस बार के इस लोकसभा चुनाव में आप अगर नजर डालें तो आम आदमी पार्टी ने 21 दिन अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में चुनाव प्रचार किया, लेकिन इस चुनाव प्रचार के बावजूद भी दिल्ली में आप देखिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी एक सीट भी
नहीं जीत पाए, कांग्रेस के साथ गठबंधन था। आप देखिए 4:3 इस प्रकार का एक प्रोबेबिलिटी रेशियो जो बना रखा था दिल्ली में कि 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 3 सीटों पर कांग्रेस। तो कहीं ना कहीं आप देखिए 7 सीटें जो दिल्ली में है, उन दिल्ली की 7 सीटों में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी का ले जाना उस दिल्ली में, जिस दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पक्ष में आप देखिए जनता का जो जनाधार है वो कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आता है और हर बार बढ़ता नजर आता है। लोकसभा चुनाव में केजरीवाल की हार का क्या बड़ी वजह देखते हैं, क्योंकि आप देखिए विधानसभा में जीत दर्ज करना, मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठना एक अलग बात है, लेकिन लोकसभा चुनाव में अगर आप जीत दर्ज करते हैं तो सामान्य तरीके से अगर आप देखें तो एक राजनीतिक स्तर पर आपका जो एक, एक, एक वो वर्चस्व है वो बढ़ता नजर आता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने 21 दिन चुनाव प्रचार भी किया, उसके बावजूद भी एक भी सीट उनके पक्ष में जाती नहीं दिखी। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर सिसोदिया मौजूद होते, अगर अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया होते तो मामला आप देखे कहीं ना कहीं कुछ अलग किस्म का नजर आ सकता था? जी बिल्कुल, ऐसे में देखिए आश्रुति, ये पूरा अगर चुनाव देखेंगे 5 साल में एक बार आता है, और जिसमें आप सोचिए कि 21 दिन में आप पार्टी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर लेंगे, जद्दोजहद कर लेंगे, वो मुमकिन नहीं है। वही भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश करते हुए नजर आई, मनोज तिवारी कितने टाइम से एक्टिव नजर आ रहे थे, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास चैलेंज था, क्योंकि इंडिया गठबंधन 22 पार्टियों का सपोर्ट था, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने उसको चैलेंज की तरह लिया। वो चैलेंज हालांकि यूपी में नहीं पूरा होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन पूरे इंडिया में अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने उस चैलेंज को कहीं ना कहीं सीरियसली लिया और ज्यादा से ज्यादा सीटें भी हासिल करके लाई। और वही दिल्ली में भी देखने को मिला, दिल्ली में लगातार चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे आप देखेंगे पीएम मोदी हो, लगातार कहीं ना कहीं रैलियां कर रहे थे, जनसभाएं कर रहे थे, जिसकी वजह से जनता का जो कनेक्शन है उनसे जुड़ता हुआ नजर आया। वही अरविंद केजरीवाल इस बार कहीं ना कहीं एक्टिव नहीं नजर आ पाए, उनकी पत्नी को प्रमोट किया जाता है। ऐसे में आप देखेंगे जब किसी पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं और इतनी ज्यादा पार्टियों को मिलाकर गठबंधन करते हैं, तो जरूरी नहीं कि जनता उन पार्टी के सभी मेंबर्स को, सारे पार्टी के नेताओं को पसंद करती हुई नजर आए। यही रीजन रहा है कि कांग्रेस साथ गठबंधन कहीं ना कहीं जनता को रास नहीं आया, सबसे बड़ा नुकसान का कारण वही बना। और केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव में, उनको ये बात पता चल गई और उन्होंने विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी को दरकिनार कर दिया और गठबंधन तोड़ने का भी फैसला कर लिया। तो यही रीजन रहा है कि गठबंधन की वजह से कहीं ना कहीं केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ा। अगर अकेले केजरीवाल मैदान में उतरते तो उनको सिंपैथी वोट भी मिलता और कहीं ना कहीं 1-2 सीटों पर जीत भी दर्ज कर पाते, लेकिन वही कन्हैया कुमार के लिए प्रचार करते हैं अपनी पार्टी को छोड़कर, अपनी सीट को छोड़कर। तो कहीं ना कहीं जनता का एक डिस्कनेक्ट इस बार अरविंद केजरीवाल के साथ देखने को मिला, और मुझे लगता है जनता यही चाहती है कि अगर केंद्र में मोदी सरकार रहे और फिर राज्य में केजरीवाल को वो चाहते हैं, और आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर केजरीवाल को किसी भी तरीके की राहत नहीं मिली तो उनके लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। अगर राहत मिल गई तो फिर से अरविंद केजरीवाल सीएम बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे और लूंगी, विधानसभा चुनाव 2025 में अगर अरविंद केजरीवाल, अब देखिए उन्हें जेल से रिहाई मिलती है, क्या सिंपैथी वोट के नाम पर कहीं ना कहीं जनता से वोट साधेंगे या रणनीतिक तौर पर साधने का प्रयास करेंगे? देखिए आश्रुति, मुझे लगता है कि इस बार से ज्यादा सिंपैथी वोट उनको क्या ही मिलता, जेल का जवाब वो वोट से मांगते हुए नजर आए थे, लेकिन जनता ने उस बात को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नकार दिया। अब उनके पास कोई सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए बचा नहीं है। 9वें समन पर जो गिरफ्तार हुए, जब गिरफ्तार हुए थे लोगों को काफी शौक लगा था, लेकिन वो गिरफ्तारी कहीं ना कहीं जनता भूलती हुई नजर आई और कहीं ना कहीं उनको सिंपैथी वोट बिल्कुल नहीं मिला। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में जिस तरीके का जल संकट का अभी मुद्दा निकल कर आ रहा है, महिलाओं का मुद्दा निकल कर आ रहा है, मुझे लगता है इसका खासा नुकसान अरविंद केजरीवाल को इस विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है और उनकी सीटें में काफी कमी देखने को मिल सकती है और भारतीय जनता पार्टी में इजाफा जरूर देखने को मिलेगा। जेल का जवाब वोट से देंगे, ये नारा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने शुरू करा था, लेकिन इस नारे पर इस लोकसभा चुनाव में तो खड़े उतरते नजर नहीं आए हैं। अब नजर है विधानसभा चुनाव पर कि 2025 में आखिर आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या रहेगी। फिलहाल अब आपको क्या लगता है, आप हमें जरूर बताएं कि आखिर अरविंद केजरीवाल 2025 के विधानसभा चुनाव में किस रणनीति के साथ चलने के प्रयास करेंगे। अगर जेल में रहते हैं तो क्या जेल से सरकार चलाने के योग्य बने रहेंगे, क्योंकि 2025 में जनवरी के महीने से ही कहीं ना कहीं आप देखें दिल्ली में विधानसभा चुनाव की जो शुरुआत है वो होने वाली है। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का स्तर दिल्ली में कहीं ना कहीं डगमगा रहा है केजरीवाल के जेल में होने से, मनीष सिसोदिया के जेल में होने से, दोनों में से एक की रिहाई कहीं ना कहीं अब जरूरी है आम आदमी पार्टी का स्तर दिल्ली में संभालने के लिए। फिलहाल इस पर आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।